पुत्र जी, मैं ये ड्यूल पक्की समझू क्या? जी वाह जी वाह, वाह जी वाह पुत्र जी, वाह जी वाह, कुछ कर दिता मैनु आप। इसको आप साइन कर दोगे? लीगली भी सब बात तय हो जाए। मैं डॉक्टर ध्वनि शर्मा ये बयान देती हूँ कि मुझे श्री उत्कर्ष कौशिक को लेकर बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई थी, इसलिए मैं अपना केस वापस लेती हूँ। ओ ओ जी पुत्र जी, की बात हो गई, आप ऐसे खड़ी चढ़ी क्यों हो गए हैं? अरे अरे, ये क्या कर रहा आप? मेरी बात ध्यान से सुन लो। हमला हुआ है मेरी इज्जत पे और ये सच कभी बदलेगा नहीं। सरासर झूठ बोल रही हो। मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुम झूठ बोल क्यों रही हो। पैसों का लालच है ना? बताओ अपनी कीमत, मैं अदा करूंगी तुम्हारी कीमत। नहीं माना कि मुझे और मेरे परिवार को पैसों की जरूरत है, इसीलिए तुम्हारी डिस्पेंसरी वाली बात सच समझकर मान गई थी, लेकिन तुम्हारी इस बात को हरगिज नहीं मानूंगी। मैं नहीं कर सकती, मैं अपनी इज्जत का सौदा नहीं बेच सकती, मैं अपनी लज्जा। हेलो, क्या मासा, क्या हुआ? वो उत्कर्ष, उत्कर्ष ये किसने किया बेटा? अरे क्या हो रहा है ये? आप सब हमें बताओ शिबू, तुम्हारे थाने में हमारे बेटे के साथ ये सब किसने किया? ये क्या बताएगा मासा, इसी ने हमारा ये हाल किया है, इसी ने मारा है हम। क्या मैंने आपको माना? भैया आप ये क्या कह रहे हैं? आप झूठ क्यों बोल रहे हैं भैया? झूठ तो तुम बोल रहे हो इंस्पेक्टर शिवेंदु कौशिक। मैं झूठ नहीं बोलता भैया, आपको अच्छी तरह से पता है मैं बाहर गया था। मिल गया दिल को चैन, पड़ गई कलेजे में ठंडक इंस्पेक्टर साहब। अभी आप ये सब क्या बोले जा रही हैं? ये सब मैंने नहीं किया है। मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं कि भैया झूठ बोल रहे हैं? उस्मान, जोशी, बताओ नहीं क्या तुम लोगों ने मुझे नहीं पीटते हुए देखा? अरे बताओ साहब, आपके जाने के बाद हम दोनों चाय पीने चले गए थे, हम नहीं कह सकते इन्हें किसने पीटा। ये ना भाभी, आप अच्छे से जानती है ना कि शिबू जी को झूठ से सख्त नफरत है, तो फिर वो क्यों झूठ बोलेंगे? क्यों अपने बड़े भाई पे हाथ उठाएंगे? उन्होंने बस अपना कर्तव्य निभाया है मजबूर होकर। तुम दोनों, हम नहीं जानते तुम में से झूठ कौन बोल रहा है कौन सच, लेकिन अगर तुम्हारे दिल में अपनी माँ के लिए थोड़ी सी भी इज्जत है तो हमें बताओ कि सच्चाई क्या है। हमने तुम्हारे फर्ज की और तुम्हारी सच्चाई की हमेशा इज्जत की, लेकिन आज तुम्हें अपना भाई कहते हुए हमें शर्म आ रही है। शायद मैं भी पहली बार कुछ ऐसा ही महसूस कर रहा हूँ भैया। देखिए वकील साहब, आप किसी भी तरह मेरे भाई को बाहर निकलवा दीजिए। मैं जानता हूँ कि वो लड़की झूठ कह रही, शायद वो उनसे पैसे निकलवाना चाहती। नहीं कार्तिक, ऐसा नहीं है कार्तिक, मैं उससे मिली थी और वो सच बोल रही है। तभी ये तुम क्या कह रही हो? और उत्कर्ष भैया भी बिल्कुल सच कह रहे हैं। तो ये बात है मिस्टर कौशिक, आप फिक्र मत कीजिए, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। तभी अगर वो लड़की भी झूठ नहीं बोल रही, उत्कर्ष भैया भी झूठ नहीं बोल रहे, तो आखिर सच क्या है? यही तो पता करना है करते। हाय हाय कार्तिक साहब, अरे ये क्या हो गया? अरे ये क्या हो गया? हमारे को तो समझ में ना आ रहा है कि विश्वास करूं हमारे कान पे कि ना। हां कार्तिक साहब, जरा बताओ तो ये बात सच है कि उत्कर्ष भाई साहब एक लड़की के साथ? हाय हाय कहना बहन, मैंने तो सुना कि दंग रह गई। हां कि हमारे उत्कर्ष भाई साहब और बलात्कारी। मिसेस कौशिक की पांच बहुएं।